गुड मॉर्निंग, मैं सर ऋषिक आंसानी। टुडे आई एम टेकिंग ऑन लेक्चर फ्लूइड मैकेनिक्स। फ्लूइड मैकेनिक्स आप लोग इसे पहले ही पढ़ चुके होंगे, हाई स्कूल 12th 11th में आप लोग पढ़ चुके होंगे। आप इसे पहले भी इसमें अपने एग्जांपल्स आपने देखे होंगे। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। हम लोग क्या क्या पढ़े देखिए। आज देखेंगे व्हाट इज फ्लूइड मैकेनिक्स। सेकंड इज स्कोप ऑफ फ्लूइड मैकेनिक्स। And aim of the subject. Okay. तो start करते हैं लोग फ्लूइड मैकेनिक्स से। फ्लूइड मैकेनिक्स इज कॉम्बिनेशन ऑफ फ्लूइड प्लस मैकेनिक्स। फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज फ्लूइड। फ्लूइड Fluid is a word which is taken from Latin word fluem, which means to flow. We can say that something which have tendency to flow. Okay. First point is fluid, and second point is mechanics. Mechanics means it is a physical science which deals with the motion as well as rest. We can say that as well as stationary. Okay. First word motion, and last word is we can say that. फिजिकल साइंस विच डील्स विद मोशन एज वेल एज स्टेशनरी। हम ये कह सकते हैं जिसका हम स्टडी कर रहे हैं वो बॉडी आपको मोशन में हो या रेस्ट कंडीशन में, उन दोनों को हम स्टडी कर सकते हैं। अब हम इसको कंबाइन करेंगे फ्लूइड मैकेनिक्स, तो हम ये कह सकते हैं विच हैव टेंड्स टू फ्लो और इन मोशन और इन स्टेशनरी। ओके, तो इस मैकेनिक सब्जेक्ट में जो स्टडी हम लोग करेंगे वो क्या क्या कंडीशन होगा देख लीजिए आप लोग। फर्स्ट कंडीशन इज स्टैटिक कंडीशन, सेकंड कंडीशन इज काइनेमेटिक कंडीशन, एंड थर्ड इज डायनेमिक कंडीशन। ओके, तो स्टैटिक कंडीशन मीन्स a body which are in rest. Example हम दे सकते हैं कि डैम की स्टडी कर रहे हो, या आप किसी ग्लास में पानी ले लीजिए, उसकी आप स्टडी करिए कि वो जो पानी अगर आप ग्लास में रखा गया है उसके वजह से फ्लूइड की वजह से कितना प्रेशर उस ग्लास के ऊपर लग रहा है उसकी स्टडी कर सकते हैं। तो एग्जाम्पल हम लोग क्या ले सकते हैं, स्टैटिक मीन्स रेस्ट कंडीशन। ओके, एग्जांपल ले सकते हैं हम लोग ग्लास ऑफ वाटर। इनिशियल लेवल पर आप एक ग्लास ऑफ वाटर ले सकते हैं। आप लोग हाई स्कूल में ग्लास ऑफ वाटर की स्टडी किए होंगे, और डैम कर सकते हैं। इट इज बहुत सी एग्जांपल आपको मिलेंगे इसमें। काइनेमेटिक्स में क्या होगा, जब कोई बॉडी मोशन में होगा और आप उसकी स्टडी कर रहे हो, तो होगा आपका ये काइनेमेटिक्स। ए बॉडी विच आर इन मोशन, बट कॉजेज ऑफ मोशन वी आर नॉट डील, बट
causes of motion are not given. इट्स मीन्स बॉडी मोशन में तो है बट उसके पीछे रीजन क्या है उसके हम लोग स्टडी नहीं करते. एग्जाम्पल जैसे बॉडी आपका ये बॉडी आपका है ये मोशन में है क्लियर है बट इसके पीछे क्या फोर्स लग रहा है या कोई प्रेशर लग रहा है एक्सटर्नल कोई चीज अप्लाई हो रहा है उसकी स्टडी नहीं करते. हाँ बॉडी मोशन में है उसके लिए हम स्टडी करते हैं उसकी स्टडी करते हैं हम लोग क्लियर है. लास्ट पॉइंट इज डायनामिक्स. डायनामिक्स केस में क्या हुआ बॉडी इन मोशन एज वेल एज स्टडी causes of motion as well as causes of motion. इसका मतलब क्या है कि आपका जो ऑब्जेक्ट है वो मोशन में है साथ ही साथ उसके पीछे रिस्पॉन्सिबिल कौन है या एक्सटर्नल फोर्स कौन रिस्पॉन्सिबिल है उसको भी हम लोग स्टडी करेंगे. ऐसे फोर्स एग्जाम्पल क्या एक्सटर्नल मीन्स का एग्जाम्पल आपका हो गया फोर्स हो गया प्रेशर हो गया जिसके वजह से बॉडी आपका मोशन में आ रहा है उसकी भी हम लोग स्टडी करते हैं. क्लियर है तो फ्लूइड मैकेनिक्स में क्या क्या हम लोग स्टडी करेंगे. अभी आज मैं आपको बता रहा हूँ कि जो हम आगे पढ़ेंगे इसको हम डिटेल से पढ़ेंगे स्टैटिक्स काइनेमेटिक्स डायनेमिक्स एज वेल इट्स अप्लीकेशन ये सब चीज़ हम लोग डिटेल्स में पढ़ा जाएगा बट आज आपको बता रहा हूँ कि स्टैटिक्स में क्या है डायनेमिक्स में क्या है काइनेमेटिक्स में क्या क्या चीज़ होती है. तो स्टैटिक में क्या था बॉडी रेस्ट कंडीशन में था. रेस्ट कंडीशन में होते हुए जो आपका ऑब्जेक्ट है उसके कितना आपका प्रेशर जनरेट हो रहा है या कितना स्ट्रेस जनरेट हो रहा है उसकी स्टडी कैसे है ऐसा हम लोग कह सकते हैं कि एग्जांपल है क्या कि हमको डैम की डिजाइन करनी है. एग्जांपल लीजिए हमको डैम डिजाइन करनी है और हमारे पास 1000 लीटर आपका वाटर है तो उस डैम का स्ट्रेंथ क्या होना चाहिए उसके अकॉर्डिंग हम लोग डिसाइड करेंगे कि उस 1000 लीटर वाटर से कितना प्रेशर जनरेट होगा डैम के स्ट्रक्चर पे तो डैम आपके ब्रेक ना करे. तो ये स्टैटिक कंडीशन में हम लोग सबके स्टडी करते हैं कि आपका डैम किस मटेरियल का बनना चाहिए या किस स्ट्रक्चर का बनना चाहिए ताकि वो लीक ना हो सके या वो ब्रेक ना हो सके. क्लियर है तो स्टैटिक कंडीशन में ये स्टडी करते हैं. क्लियर है तो ये आप एग्जाम्पल समझ में आया. सेकंड काइनेमेटिक्स. काइनेमेटिक्स में क्या है कि बॉडी मोशन में मोशन में अगर है तो उसका बिहेवियर में क्या चेंजिंग आ रहा है. एग्जाम्पल मान लीजिए आप कहीं जा रहे हैं अभी आप बैठे हैं आपका अलग बिहेवियर होगा आप अभी मूव कर रहे हैं फर्स्ट पोजिशन सेकंड पोजिशन तो आपके बिहेवियर में क्या चेंजिंग आ रहा है वो आपको स्टडी करते हैं. एग्जाम्पल कोई मान लीजिए कोई फ्लो आपका स्टडी फ्लो है लाइक एग्जाम्पल स्टडी फ्लो उसमें क्या होगा स्टडी फ्लो में उसके बिहेवियर में क्या क्या चेंजिंग आएगा जो आपके फ्लूड प्रॉपर्टीज होंगे उसमें क्या क्या चेंजिंग आएगा उसकी स्टडी हम लोग करेंगे. क्लियर है बट इसके पीछे एक्सटर्नल क्या है उसकी स्टडी हम नहीं करते हैं. सिमिलरली डायनेमिक्स में भी क्या है बॉडी मोशन में उसके पीछे एक्सटर्नल फोर्स कौन कौन से रिस्पॉन्सिबल है और उस फोर्स की वजह से उसके प्रॉपर्टीज में क्या क्या बिहेवियर आया है इसकी स्टडी हम लोग करते हैं. क्लियर है ओके okay. तो हम लोग अभी जो देखते हैं वो स्टैटिक काइनेमेटिक्स और डायनेमिक्स में स्टडी लिखा गया है तो हम लोग ये कह सकते हैं फ्लूइड मैकेनिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द बिहेवियर ऑफ फ्लूइड इन स्टैटिक काइनेमेटिक्स एंड डायनेमिक्स कंडीशन. क्लियर है बिहेवियर ऑफ फ्लूइड इन स्टैटिक काइनेमेटिक एंड डायनेमिक कंडीशन या वी कैन से दैट बिहेवियर ऑफ फ्लूइड इन मोशन एज वेल एज स्टैटिक कंडीशन. ओके तो ये सब चीज हम लोग इसमें स्टडी करेंगे. नेक्स्ट हम लोग देखते हैं अभी हम आपको बताया थे कि फ्लूइड क्या है विच समथिंग विच हैव टेंडेंसी टू फ्लो तो एग्जाम्पल क्या हो सकता है एग्जाम्पल को समझाता आपको एग्जाम्पल हम ले लेते हैं गैस एंड लिक्विड. अगर हम गैस और लिक्विड की बात करें विच हैव टेंडेंसी टू फ्लो तो उसमें क्या क्या चीज हम लोग कंसिडर करना चाहेंगे क्या क्या चीज कंसिडर नहीं करना चाहिए आज हम बताते हैं. लेकिन आप लोगों को पता होगा
फेज होते हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस। सॉलिड एक अलग फेज है, ठीक है, उसके बाद गैस एंड लिक्विड। गैस एंड लिक्विड ट्रीटेड एज ए फ्लूइड, बट इससे कुछ ना कुछ कंपैरिजन होगा सॉलिड से गैस और लिक्विड का, वो हम कंपेयर करते हैं कुछ। अगर मैं बात करूं टेंसाइल फोर्स, कंप्रेशन फोर्स, एंड शीयर फोर्स, आपको फर्स्ट ईयर में पढ़ चुका होंगे टेंसाइल फोर्स, कंप्रेसिव फोर्स एंड शीयर फोर्स, ऑलरेडी आपको सब चीज पता है। और मैं क्या बनाता हूं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, ये टेबल आपको काम आएगा। अगर टेंसाइल फोर्स की बात करूं तो हम सॉलिड में क्या होता है कंसीडर करते हैं, गैस में इट्स नेगलिजिबल, कंसीडर नहीं करते, लिक्विड में कंसीडर करते हैं बट इट्स इक्वल टू जीरो। ओके, कंप्रेसिव फोर्स, कंप्रेसिव फोर्स भी सॉलिड में कंसीडर करते हैं, लिक्विड एंड गैस में कंसीडर नहीं करते, बट कंसीडर कब करेंगे जब आप लिक्विड और गैस को किसी कंफाइंड स्पेस में रखेंगे तभी आप उसको कंप्रेसिव फोर्स को कंसीडर करेंगे। तो हम लोग क्या लिखेंगे, कंफाइंड स्पेस, कंफाइंड स्पेस, कंफाइंड स्पेस। शियर फोर्स कंसीडर करते हैं, ये क्या होता है स्टैटिक कंडीशन में शेयर फोर्स क्या होगा, जीरो है। क्लियर है, स्टैटिक कंडीशन में क्या होगा शेयर फोर्स हमारा जीरो होगा। टेंसाइल फोर्स, कंप्रेसिव फोर्स, शेयर फोर्स, ये तीन फोर्स की बात हो गई। क्लियर, बट अगर आपसे पूछा जाए बेसिक डिफरेंस बिटवीन सॉलिड एंड फ्लूइड, आज डिस्कस करते हैं लोग बेसिक डिफरेंस बिटवीन सॉलिड एंड फ्लूइड। एनीबॉडी नो दैट? सॉलिड एंड फ्लूइड, फ्लूइड, फ्लूइड अगर हम कंपैरेटिव फ्लूइड इट्स मींस लिक्विड एज वेल एज गैस। ओके, सॉलिड एग्जांपल देते हैं, देखिए सॉलिड अगर जो मॉलिक्यूल्स होंगे, मैं कुछ स्ट्रक्चर बना रहा हूँ, देखिएगा आप इसको, फ्लूइड मैकेनिज्म स्टडी करेंगे हम लोग, बेसिकली स्टडी करेंगे लिक्विड के ऊपर, गैस के ऊपर नहीं करेंगे खास स्टडी, तो लिक्विड की बात कर रहा हूं, जो भी टॉपिक एक्चुअली हम लोग लेंगे वो लिक्विड की बात करेंगे हम लोग, तो लिक्विड के ही हम लोग बात कर रहे हैं। अगर सॉलिड की बात किया जाए और फ्लूइड की बात, फ्लूइड में क्या बात कर रहे हैं, लिक्विड, सॉलिड में जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके बीच जो इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस है वो आप देखिए, इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस क्या है, बहुत ज्यादा कम, वेरी लेस, ठीक है। एज कंपेयर टू लिक्विड इंटरमॉलिक्यूलर जो डिस्टेंस है एज कंपेयर टू सॉलिड मोर, क्लियर है, वो ज्यादा है। तो जब आप सॉलिड की बात करते हैं तो इसमें जो मोशन होगा वो क्या होगा आपका, वो डिफिनिट मोशन होगा, वो डिफिनिट होगा, डिफिनिट मतलब कि जो ये मोशन आप करेंगे वो हाई फोर्स या हाई टेम्परेचर पे ही इसका मोशन करा सकते हैं, बट बिलो लो टेम्परेचर या लो फोर्स पे बिल्कुल मोशन नहीं रहेगा। क्लियर है, तो क्या होगा आपका, नो मोशन। क्लियर, बट जो इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्स होगा वो क्या होगा, वो कोहेसिव फोर्स, ये क्या होगा, मैक्सिमम होगा,
क्लियर है? क्रॉसिंग फोर्स क्या होगा? मैक्सिमम होगा। इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस है लिक्विड में एज कंपेयर टू सॉलिड वो ज्यादा है, ठीक है ना? तो उसमें क्या होगा, इजी मोशन होगा। क्रॉसिंग फोर्स एज कंपेयर टू सॉलिड विल बी लेस, क्लियर है? ये तो बात हो गई मोशन की, ओके। अगर आपको पैसे कल हमने पढ़ा टेंसाइल फोर्स, कंप्रेशन फोर्स एंड शियर फोर्स, सॉलिड केस में क्या था सबको कंसिडर करते हैं, बट इस केस में क्या होता है, टेंसाइल फोर्स, कंप्रेशन फोर्स इन कंफाइंड स्पेस एंड शियर फोर्स इन स्टैटिक कंडीशन विल बी जीरो, क्लियर है? ये जो तीनों फोर्सेस की बात होगा वो हम देखेंगे इसमें आगे चलते। तो मोशन की बात हो गई, बेसिक डिफरेंस इसमें क्या है, बेसिक डिफरेंस ये है, देखिए अगर आप सॉलिड में फोर्स लगाते हैं, अगर आप अप्लाई फोर्स ऑन सॉलिड, इट्स मे बी रिगेन और मे नॉट बी रिगेन इट्स ओरिजिनल शेप, या वी कैन से दैट अगर आप फोर्स लगाते हैं और फोर्स लगाने पर क्या होगा, इसका शेप चेंज होगा, बट अगर आप फोर्स उसको हटा लेते हैं तो अपने स्ट्रक्चर को फिर से वो रिगेन कर सकता है, ठीक है ना? बट इफ अप्लाइंग ऑन फ्लूइड फोर्स, अगर आपका ये शेप चेंज हो गया एक बार, अगर आपका या स्ट्रक्चर डिस्टॉर्ट हो गया, तो फिर अगर आप फोर्स हटा भी लेते हैं तो वो रीगेन नहीं कर पाता है शेप को अपने, क्लियर है? तो ये बेसिक डिफरेंस है, इट कैन रीगेन इट्स ओरिजिनल स्ट्रक्चर After removing the forces, think over, it's never regain, its original structure. After removing the yes, it's basic difference. Okay. Food mechanics हम लोग study करेंगे solid. काइनेमेटिक्स, डायनेमिक्स एंड स्टैटिक कंडीशन। फ्लूइड मैकेनिक्स का मैं आपको कुछ एडेड कर रहा हूँ उसके सिलेबस के बारे में भी, जो हम लोग नेक्स्ट क्लासेस में स्टडी करेंगे, ओके। तो अभी हमने बताया था मैंने आपको स्टैटिक कंडीशन, काइनेमेटिक्स एंड डायनेमिक्स। देखिए जो फर्स्ट यूनिट क्या रहेगा हमारा, एक तो प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड, प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड। हम ये सब चीज किसे पढ़ेंगे, हम लोग स्टैटिक कंडीशन भी पढ़ेंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड हो गया बेसिक, उसके बाद प्रेशर मेजरमेंट हाइड्रोडायनेमिक्स फोर्सेस On static condition. और ये सब आपको static condition में मिलेंगे, properties of fluid, pressure measurement, hydrodynamic forces on static condition, okay? ये आपका first unit रहेगा। Second unit हम बात करेंगे types of flow, clear है? types of fluid आपको इसी में आ जाएगा, properties of fluid में हम लोग types of fluid पढ़ेंगे, types of fluids में आएगा, and types of fluid हो जाएगा आपका
Okay, stream function, stream and velocity potential function. Velocity function, ये इसमें आ जाएगा. Basically आपको अगर कैरेक्टरिस्टिक्स डायनेमिक्स डायनेमिक्स हमारा आ जाएगा बर्नौलीज़ इक्वेशन. बर्नौलीज़ इक्वेशन इसके बाद एप्लीकेशन ऑफ बर्नौली एप्लीकेशन ऑफ बर्नौलीज़ इसलिए आपके आ जाएंगे ये फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड. उसके बाद इसमें जब आएगा एप्लीकेशन ऑफ दिस, एप्लीकेशन ऑफ दिस हम लोग ये कर सकते हैं इसका एप्लीकेशन कहां पे है टर्बाइन एंड पंप. तो फोर्थ यूनिट एंड फिफ्थ यूनिट, जो फोर्थ यूनिट रहेगा वो आपका टोटल टर्बाइन रहेगा ठीक है और फिफ्थ यूनिट जो रहेगा आपका वो पंप रहेगा. तो ये पांच मिनट है आपका स्टैटिक काइनेटिक्स डायनेमिक्स टर्बाइन एंड पंप ठीक है. इसमें अलग अलग टॉपिक्स आपको मिलेंगे करने के लिए सफिशियंट है आपके लिए तो ठीक है. कुछ और बता दो मैथ्स के बारे में एप्लीकेशन सर क्या क्या एप्लीकेशन है आपने आप लोग अपने लाइफ में देखे होंगे पर डे यूज करते हो और देखते भी होंगे बट आपको ये बात पता नहीं होगी फूड मैकेनिक्स का ही पार्ट है आई थिंक आप लोग को नहीं पता होगा. तो आप कुछ एग्जाम्पल देता हूँ. एग्जाम्पल डिजाइन ऑफ कार, डिजाइन ऑफ कार ओके. आप लोग अक्सर अक्सर देखे होंगे जो डिजाइन ऑफ कार है उसका फ्रंट स्ट्रक्चर कैसा होता है. क्या आप लोग देखा है फ्रंट स्ट्रक्चर उसका रेक्टेंगुलर या पैराबोला या सर्किल या एरोडायनामिक्स किस तरह का शेप होता है आपको पता है क्या. आई थिंक तो जो आपको बताता हूँ आपको तो फ्रंट स्ट्रक्चर होता आप देखिए लाइक दिस आप ये शेप देखिए फ्रंट स्ट्रक्चर कुछ ऐसे किया गया है क्लियर है. ऐसा क्यों किया गया है मैक्सिमम होगा जो उसकी स्पीड को रिड्यूस करता है. तो अगर ड्रैग फोर्स को हम लोग कम कर दिया जाए तो आपका स्पीड क्या होगा वो ये कह सकते हैं हम लोग. अगर हम लोग एयर फोर्स के फ्रिक्शन को रिड्यूस किया जाए या एयर फ्रिक्शन रिड्यूस किया जाए तो उसका जो डिजाइन किया जाएगा ये शेप कि किस टाइप का शेप होना चाहिए उस पर आपका मिनिमम से मिनिमम ड्रैग फोर्स अवेलेबल हो या मिनिमम से मिनिमम आपका एयर फ्रिक्शन अवेलेबल हो उसके से क्या होगा हमारा इसका फ्यूल जो कंजप्शन है वो भी कम हो जाएगा और स्पीड आपको अच्छी खासी मिलेगी. हम लोग क्या कह सकते हैं डिजाइन ऑफ कार विद रिड्यूसिंग द ड्रैग फोर्स इसका बेसिक एप्लीकेशन ये बहुत ज्यादा यूज किया था यहाँ पे. सेकंड क्या हो सकता है आप लोगों को शायद पता होगा वेंस में जो हमारी ब्लड सर्कुलेट हो रहा है आज की डेट में हम लोग ब्लड मैकेनिक्स पे भी काम किया जा रहा है कि वेंस में कैसे ब्लड का सर्कुलेशन हो रहा है कैसे नहीं हो रहा है उसके ऊपर भी फ्लूड किस टाइप का फ्लूड है वो किस टाइप का फ्लूड नहीं है उसके ऊपर भी इस पे काम किया जा रहा है ठीक है. और स्पोर्ट्स का लोगों को पता है जब बॉल को फेंका जाता है बैट्समैन के पास तो वहाँ बॉल क्या होता है पिच अगर आपका ये तो बॉल स्विंग करते आपका जाता है. तो यहाँ पे क्या है ये स्विंग जो आपका है ये भी क्या है फ्रिक्शन यहाँ पे भी क्या है एयर फ्रिक्शन लग रहा है इसके ऊपर इसको डिजाइन करते हैं. उसके बाद हम लोग शिप और बोट शिप का बोट की डिजाइन की जाती है तो किस शिप का बोट को डिजाइन करते हैं किस कंडीशन में वो आपका बैलेंस कंडीशन रहेगा उसको डिजाइन किया था हम ये कह सकते हैं मेटा सेंटर फाइंड आउट करने के लिए हम लोग डिजाइन करते हैं इसको. और सेकंड इसका एप्लीकेशन है
डैम्प डिजाइन, अगर तो मैंने ये बताया ना डैम्प डिजाइन करने के लिए, स्टैटिक कंडीशन जो डैम्प डिजाइन है उस करने के लिए। ऑटोमोबाइल्स में, ऑटोमोबाइल्स में कैसे, ऑटोमोबाइल्स में आपको पता होगा आईसी इंजन, इंटरनल कंबशन इंजन, इंटरनल कंबशन इंजन में क्या होता है कि ये फ्यूल एयर और फ्यूल का मिक्सचर इसके अंदर आता है और ये बर्न होता है। जब ये बर्न होता है तो इसकी प्रॉपर्टीज में क्या क्या चेंजिंग हो रहा है, उसके वेलोसिटी फील्ड कैसे चेंज हो रहा है, उसकी स्टडी करते हैं हम लोग। उस तरह से भी कह सकते हैं कि ऑटोमोबाइल्स में फ्यूल मैकेनिक्स का बेसिक रोल है। उसके बाद बेसिक अभी आपको बताता हूँ, आपको एयरप्लेन, पावर प्लांट, आपने मैक्सिमम लाइफ, आपके मैक्सिमम जगह आप दे सकते हैं कि फ्लूइड मैकेनिक्स का बहुत ज्यादा रोल किया जाता है, बहुत यूज किया जाता है इसको, ठीक है। तो फ्लूइड मैकेनिक्स जब भी हम लोग पढ़ेंगे तो उसको, जब भी हम लोग पढ़ेंगे तो उसको आप लोग उसको फील कर सकते हैं, फ्लूइड मैकेनिक्स को आप डेंट एक्सेस को देख भी सकते हैं, एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हैं और उसका फीलिंग भी आपको आता रहेगा। ऐसा नहीं है कि वर्चुअल है कि आप उसको बाहर से देख, नहीं, उसको आप फील कर सकते हैं, उसको फिजिकल तौर पे या कंप्यूटेशनल तौर पे भी इसकी स्टडी कर सकते हैं। फिजिकली आपने क्या बनाया, उसमें क्या रिजल्ट आया, उसको हम लोग कंपेयर कर सकते हैं कंप्यूटर के डाटा से या कंप्यूटेशनल फूड में भी उसको जाके स्टडी कर सकते हैं हम लोग। तो इसका ये एडवांटेज है फूड मैकेनिज्म कि आप लोग फिजिकल तौर भी सकते हैं और कंप्यूटर कंप्यूटेशनल भी उसको स्टडी कर सकते हैं। ओके, थैंक यू। नेक्स्ट टाइम हम लोग पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।